नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश में आज के दिन यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सन 1949 26 नवंबर को संविधान सभा ने हमारे संविधान को विधिवत तरीके से अपनाया था। हालांकि इसे लागू 1950 26 जनवरी को किया गया था। बता दें कि इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी देखा जाता है। भारतीय संविधान की खासियत यह है कि यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वहीं आज इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस कार्यक्रम को संबोधित भी किया जाएगा। साथ ही विज्ञान भवन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह का भी उद्घाटन किया जाएगा। राष्ट्र आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। बताते चलें कि संविधान दिवस को मनाना 2015 में शुरू किया गया था, जो इस ऐतिहासिक तिथि के महत्व को उचित मान्य देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। इस दृष्टिकोण का आधार 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित संविधान गौरव यात्रा में निहित हो सकता है। इस साल संविधान दिवस समारोह के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद और विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। संसद में आयोजित कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होगा। कार्यक्रम को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करेंगे। अपने भाषण के बाद राष्ट्रपति संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, जिसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। राष्ट्रपति संविधान सभा में हुए बहस और चर्चाओं का डिजिटल संस्करण, भारत के संविधान की सुलिखित प्रति का डिजिटल संस्करण और भारत के संविधान के अत्यंत संस्करण का भी विमोचन कर सकते हैं। इसी जानकारी मिल रही है, जिसमें अब तक के सभी संशोधन शामिल होंगे। वहीं संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो आज संविधान दिवस और इस खास मौके पर आज संसद में अनेकों कार्यक्रम हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शामिल होंगे और संबोधित भी कर सकते हैं देश को।